भारतीय संस्कृति में विभिन्न सांप्रदायों, ऋषियों, मुनियों, मठों, मंदिरों व संत महात्माओं का एक सम्मानीय स्थान है और इन सभी समुदायों भूमितियों ने समय समय पर देश व समाज को नई दिशा दी, जिससे मानव को अलौकिक दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हुई है और मानव जीवन के विकास में निरंतर आई है। वैष्णव संप्रदाय की इस विचारधारा को बढ़ाने में गौड़िया मठ ने अपनी जिम्मेदारी बहुत बड़ी निभाई। इसके लिए मैं मठ के सभी श्रद्धालु सन्यासी सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के मानव कल्याण के लिए गीता का उपदेश देकर समस्त संसार में अपनी आभा को बिखेरा तथा भगवान विष्णु की सदाचारी सर्वोच्च और दीप्तिमान अतुल्य आदि दक्ष तथा चरित्रवान नामकरण परंपर को आगे बढ़ाया। मैं भगवान विष्णु तथा भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए इस पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र को नतमस्तक होता हूँ। अपने उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, यद्यदा चरति श्रेष्ठा सतत देवो तरो जनम सयत प्रमाण करुते लोकस्थ धनुर्वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करते अन्य पुरुष भी वैसे ही आचरण करते। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण करता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी को अनुसार व्यवहार व सदाचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रेष्ठ आचरण का ही विश्व के गीता का संदेश दिया है। इसलिए आज मैं मानवता के आदर्श है वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु के विष्णु को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है। यह संप्रदाय के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण जी है। ज्ञान शक्ति बल वीर्य ऐश्वर्य और तेज इन छह गुणों से संपन्न होने के कारण ही श्री कृष्ण जी को भगवान माना गया है। श्री कृष्ण जी शास्त्रों में विष्णु का अवतार माने जाते हैं। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए। कुरुक्षेत्र के 48 कोस की इस पावन भूमि में सभी 10 अवतारों के स्थानक है। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। यानी कुरुक्षेत्र की यह धरा पूरे विश्व में अलौकिक दिव्य प्रकाशी जाननी है। तो इस विषय को जो कुरुक्षेत्र में हमारे सारे अवतार सारे जो हुए उसका जो साक्षी मानने वाला कुरुक्षेत्र है, ऐसे कुरुक्षेत्र को हम दुनिया के पटल पर लाने के लिए भारत सरकार और हरियाणा का सरकार प्रयास कर रही है। भगवान विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण के आदर्श उपदेशों को अपने जीवन के अनुसरण कर भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद ने भगवान भगवत संदेश को देश विदेश में जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद विशुद्ध रूप से कृष्ण भक्ति के प्रवक्तक थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण भगवान भावना व श्री ब्रह्म माध्यम गौड़िया संप्रदाय के आचार्यों की वाणी
और शिक्षाओं की पश्चिमी जगत में पहुंचाने का काम किया है। स्वामी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत ने प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के निकट 6 फरवरी 1874 ओडिया परिवार में जन्म लेकर श्रीमद् भगवद्गीता का अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय और पश्चिम इतिहास, दर्शन शास्त्र और धर्म शिक्षाओं में स्वतंत्र रूप से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और रॉयल लाइब्रेरी तक पहुंच प्राप्त की। प्रभुपाद जी महाराज ने हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी, अन्य भाषाओं के माध्यम से वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार का कार्य किया है। 1918 से श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने एक धर्म तीर्थ व परोपकारी संगठन के रूप में गोड़िया मठ का कल्याण किया है। बाद में इसका नाम बदल का गोड़िया मिशन कर दिया है। आज गोड़िया मिशन भारत सहित विश्व के सैकड़ों देशों में मठों मंदिरों के माध्यम से श्रीमद् भगवद्गीता की शिक्षाएं, उपदेशों और भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में लगे हुए। अपने संक्षिप्त जीवन काल के दौरान श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने देश और विदेश में मंदिरों के साथ साथ 64 मठों मंदिरों की स्थापना की। उन्होंने दुनिया में भगवान भगवत संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने पहले वैष्णव अखबार और 5 पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ साथ संस्कृत, बंगाली, हिंदी, उड़िया और अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की है। आज विश्व भर में हजारों की संख्या में गुरुकुल व स्कूलों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारतीय जीवन दर्शन की मूल्य आधारित शिक्षा दी जाती है। भाइयों बहनों, हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा व स्वामी प्रभुपाद जैसे हस्तियों की शिक्षाओं के प्रेरणा पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की है। इस नया शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति के अनुरूप मिशन नालंदा, मिशन तक्षशिला संचालित करने का प्रावधान किया गया है। इस प्राचीन विश्वविद्यालय की तर्ज पर शिक्षा पाकर देश की युवा पीढ़ी चरित्रवान बनेगी और पुरुषार्थ से लिबरेज बनेगा। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। गोड़िया मत और मिशन की भांति आज देश के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्वामी प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में ऐसे महान आत्माओं के जन्म दिवसों पर भव्य गौरवमयी कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। हम लोग पढ़ते हैं, गीता जो है, भगवद गीता जो है, एक मजहब का किताब नहीं है। गीता जो है सारे दुनिया के मजहबों का किताब भगवद गीता है। भगवद गीता जो है वे ऑफ लाइफ है, जीवन कैसे जीना, जीवन में कैसे रहना। कोई आपत्ति आई, कोई समस्या आई, वो समस्या को कैसे झेलना, कैसे वो संकट से मन को निग्रह करके दूर जाना, वही संदेश देने वाला एक ही एक ग्रंथ है, वो महान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए गीता में जो है सारा, गीता अपने जीवन की गीत है, अपना जीवन का भी गीत है और अपने पूरे सारांश, अपने वेदांत का जो सारांश है दो अक्षरों में वो अक्षर जो है
एक है सहनशीलता और दूसरी जो है हमारा सहनशीलता के साथ साथ हमारी और निग्रह, ये दो है जो जो मानव जो व्यक्ति जो सहनशीलता से रहता है, जो निग्रह से रहता है, किसी भी परिस्थिति को किसी भी घटना को उन्हें जो है आगे कठिन से कठिन परिस्थिति को भी उन्हें झेल सकता है। तो इसलिए हमारे सारांश है ये, आप सभी लोग जैसे स्वामी जी ने अच्छे बताया, स्वामी जी ने बचाया, ये जो है भगवद गीता में तीन योग है, एक जो है हमारे ज्ञान योग और कर्म योग भक्ति योग। ये भक्ति योग सबसे सामान्य मानव को भी आकर्षण करने में, भगवान को आराधना करने में भक्ति योग सबसे आगे रहेगा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा अगर आप 1000 बार बोलते हुए आप मन को ऐसे रखिए, आपके सारे समस्याओं को दूर करने वाला मंत्र है हरे राम हरे कृष्ण। तो ऐसा जो है एक बाण हमारे संदेश को जो है इसमें जोड़ा गया है। तो इसलिए हम सभी लोग जो है मैं एक ही विषय बताना चाहता हूँ, जो आत्मसंयम रखना चाहिए। ज्ञान विज्ञान बहुत बढ़ रही है और साथ ही साथ आज अपने समाज में भ्रष्टाचार और दुराचार और लूटमार और अनीति, अशांति और नशा और महिलाओं पर अत्याचार, ऐसे जो है ये भी जो है दिल जलने वाले विषय चल रहे हैं। इसको सारों को समाप्त करने के लिए गीता जैसी जो प्रेरणा है वो मन में लगाने से सारे विषय को दूर कर सकते हैं।